15 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 15 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट और मेजर स्मॉल करंट। मैं बता ये रहा था कि ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ये जिस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है वो टॉपिक चैप्टर नंबर 14 में था, मगर चूंकि रिड्यूस हो गया था इसलिए पढ़ाया नहीं गया था, तो जरा सा इसके बारे में सुन लें। मेरा बेटा फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है। कॉइल मतलब कोई वायर है जो कंप्लीट लूप में है और इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है, गुजर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इस कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जी बताता हूं, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क, यानी ये डिफ्लेक्ट करेगा, टर्न करेगा। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो डिफ्लेक्ट होगा, टर्न करेगा। ठीक है, क्यों करेगा ये आप पूछ रही हैं, मैं जवाब दे देता हूं। बेटा आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, चैप्टर 14 का दूसरा टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जनाब, ये एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा और ये टॉर्क वाला सवाल होगा। ये कि जब इसमें से करंट यूं गुजरेगा, इसका एक फार्मूला ये भी है एल क्रॉस बी, याद आया कुछ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये शॉर्ट के लिए, बिल साइन थीटा मॉडल पेपर में भी है, आई एल क्रॉस बी। अब करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो मैं अपना राइट हैंड डाउनवर्ड रखूंगा और अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड बी की जानिब कर्ल करूंगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये थंब है, तो इस पर एक फोर्स लगेगी आउटवर्ड, वो मैंने ये शो कर दिया आउटवर्ड, और इस वाले में करंट ऊपर जा रहा है और मैंने अपने फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल किया तो थंब जा रहा है अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉइल है और इसमें इस वाले वायर पर ऐसे बाहर और इस वाले वायर पर ऐसे अंदर फोर्स लग रही है, तो क्या होगा? ये इसको यहां से अंदर लेके जाएगा, ये इसको यहां से, तो नतीजे में ये टर्न हो जाएगा। मेरा बेटा समझ आई? इसकी डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला है बीना, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई माने करंट, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज द एरिया ऑफ द कॉइल। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। समझ में आई बात? ये इसका प्रिंसिपल है। अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल, आप बोलना बीना यानी टॉर्क। ठीक है, व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, जी प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फार्मूला ये है बीना। अच्छा, अब सवाल है कि सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, तो मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं, डायग्राम में कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगी, वर्किंग में समझा दूंगा।
देखिए भाई हम करते क्या है, हम करते ये है कि हम एक सिलेंडर बनाते हैं, हम एक सिलेंडर बनाते जस्ट लाइक दिस, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर वायर लपेटते हैं, क्या लपेटते हैं, वायर लपेटते हैं, ठीक। तो मैं जब इसमें से या इसके ऊपर ऐसे वायर लपेटूंगा तो वो वायर यहां से चिपक जाएगा, मुझे यहां से नवर आएंगे वो वायर, यानी क्रॉस सेक्शनल देखने पे वो वायर मुझे नवर आएंगे, ठीक। जब ये, अच्छा मैंने क्या बनाया ये करके, क्वाइल बनाया, क्वाइल, ये मैंने क्वाइल बनाया, इस पे से करंट पास करवाऊंगा। क्वाइल हवा में तो बना नहीं सकता था तो लपेटना पड़ा मुझे सिलेंडर को। अब जब ये सिलेंडर तैयार हो गया तो मैंने एक मैग्नेट लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल, और ये जो मैंने मैग्नेट लिया इस, ये पोल्स कहलाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो पोल्स हैं वो मैंने कॉनकेव शेप के बनाए, कैसे बनाए, सीधे नहीं बनाए, कैसे बनाए, यानी मैं इस तरह समझाता हूं, अगर मैं एक यू शेप मैग्नेट बनाऊं तो ऐसे बनेगा, मैंने यहां पर इसको ऐसे बनाया, यू शेप मैग्नेट है, नीचे से मैंने बनाया नहीं, सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखा दिया, ठीक। सवाल ये पैदा हुआ, सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम इसको गोलाई में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ से सेम हो जाएगी, और किस डायरेक्शन में हो जाएगी, रेडियाई, यानी रेडियस की डायरेक्शन में। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे ये एमसीक्यू है, मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें है एमसीक्यू, पांच ओवर में आ चुका है, कि हम कॉनकेव पोल क्यों यूज करते हैं, टू मेक द फील्ड रेडियल, फील्ड को रेडियल बनाने के लिए हम इसके कॉनकेव पोल यूज करते हैं। तो मेरा बेटा वर्किंग भी समझते जाओ और कंस्ट्रक्शन भी, कंस्ट्रक्शन में क्वाइल आ गया, क्वाइल लपेटा किस पर, सिलेंडर पर, और हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया बड़ा अच्छा वाला, और देखो इधर क्या कर रहा हूं, ये सिलेंडर उठाऊंगा और ये सिलेंडर इसके बीच में इंसर्ट कर दूंगा, ये सिलेंडर आ गया, ये वाला हिस्सा ऐसे डाल दूंगा तो मुझे ये वाले वायर नजर आए, जी समझ आई बात कि नहीं मेरा बेटा। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इस क्वाइल के दो हिस्से हैं ये और ये, यानी वायर का दो हिस्सा है, ये मैं लगा दूंगा सर्किट से, उस सर्किट से जिसमें मुझे क्या मारा करना है, करंट पता करना है। जब ये सर्किट ऑन होगा इसमें से क्या गुजरेगा, जब करंट यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से फिर कहां जाएगा, कॉइल में, कॉपर का। जब ये सिलेंडर में क्या जाए, जब इस कॉइल में क्या जाएगा, करंट। तो मेरा बेटा ये बताओ कि यहां पर क्या है, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई क्वाइल हो और उसमें करंट हो तो वो क्वाइल डिफ्लेक्ट करता है, घूमता है, टॉर्क आता है। तो जैसे ही करंट गुजरेगा, ये सिलेंडर गोल है ना, ये घूमेगा। अच्छा घूमेगा तो असल में वायर घूमेगा, लेकिन वायर चिपका हुआ है सिलेंडर से तो वो सिलेंडर को साथ लेके घूमेगा। जैसे ही ये घूमेगा, जब हम समझ गए घूम रहा है, तो हम इसके साथ एक निडल चिपका देंगे, निडल पॉइंटर, क्या चिपका देंगे, पॉइंटर, और नीचे स्केल बना देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
अब समझ में आई, जैसे ही करंट आएगा ये घूमेगा, ज्यादा करंट आएगा ज्यादा घूमेगा, कम करंट आएगा, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, तो जब ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा घूमेगा, कम करंट आएगा तो, यही बात हमें प्रूव भी करनी, ये इसकी वर्किंग है, इसमें क्या मसला है, समझ आ गई, बस ये इसकी वर्किंग थी, यही इसके जो है, आप वो कंस्ट्रक्शन लिखें, आप बोलना है, हाँ देखो मीटर तो सब ऐसे ही होते हैं, अब एनालॉग तो सारे ऐसे ही होंगे ना, तो अब होता ये है कि भाई क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कॉइल, सिलेंडर, मैग्नेट, पॉइंटर, स्केल, ये लिखा हुआ देख लो नोट्स में, ये सारी चीजें लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 जो बताया वो सब पढ़ लो, वर्किंग भी पढ़ लो, छोटी सी डायरेक्शन करवा रहा हूं जो पेपर में आ सकती है, सब ठीक है, है मेरे बेटा, वो मैं समझाऊंगा अभी, चले वो छोड़े होगा कि छोड़े, अब आप ये बताइए आपको ये वाली डायग्राम समझ आ गई, ये जो मैंने समझाई ये सिंपल मैकेनिज्म है, अच्छा अब आगे देखें होता क्या है कि इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर है, बीना, ये क्लियर है, अच्छा अब एक चीज आपको समझाता हूं, देखें अगर मुझे दरवाजा खोलना है, दरवाजे पर फोर्स लगाऊंगा दरवाजा खुलेगा, तो दरवाजे में क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क, सही, अब ये बताओ अगर इस दरवाजे में ये डोर क्लोजर ना लगा हो ये खुद बंद होगा, नहीं होगा ना, इसका मतलब ये है कि अगर हमें बंद करना हो तो हमें खुद बंद करना पड़ेगा, सही, अब आगे सुने, जब हम करंट देते हैं, सिलेंडर घूमता है, निडल घूमती है, तो निडल जाकर जब करंट बंद होगा तो टॉर्क बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निडल वापस अपनी जगह पर नहीं आएगी, खुद ब खुद तो नहीं आ सकती, इसका मतलब है हमें कोई डोर क्लोजर लगाना पड़ेगा, तो हम करते क्या है कि हम इस वायर के सिलेंडर के साथ एक ट्विस्टिंग वायर यूज करते हैं, ट्विस्टिंग वायर यूज करते हैं, ठीक है सर, ये क्या करता है बताते हैं आपको, अगर आप एक धागा लें, धागे में कोई चीज जिसे हम मार्कर बांधे और इसे घुमाएं, घुमाकर आप जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो वापस घूमेगा, तो बिल्कुल जब ये सिलेंडर घूमता है तो ये ट्विस्ट हो जाता है, जैसे ही करंट गुजरना बंद होता है ये वापस घूमता है और इसको अपनी जगह पर वापस लेकर आता है, समझ में आई, वो जो ये वापस लेकर आता है वो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाता है, वो सी थीटा के बराबर होता है, ठीक, ये मटेरियल तो बेटा मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, मगर कोई इलास्टिक मटेरियल होता है उससे बनता है, जब ही वापस आता है, वरना फिर क्या हो, मैनुअली करना पड़े, अच्छा एक चीज आप टॉर्क बराबर सी थीटा क्यों आया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं बता भी देता हूं, सुने आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक शायद पढ़ा हो याद आ जाए, एफ इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ, हुक कहता है स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतना स्ट्रेच होगा, उसने कहा था फोर्स प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट पर, फिर F इज इक्वल टू के एक्स, ये स्प्रिंग के लिए था, स्प्रिंग भी इलास्टिक होता है, ये वायर ट्विस्टिंग वायर है ये भी इलास्टिक है, लेकिन इसमें खिंचाव नहीं हो रहा, ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है तो फोर्स नहीं लगा रहा मैं, टॉर्क लगा रहा हूं, तो फोर्स की जगह टॉर्क, और ये ट्विस्ट हो रहा है थीटा, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे फोर्स प्रोपोर्शन होते डिस्प्लेसमेंट के, इस तरह टॉर्क डिपेंड करता है थीटा, फिर हाँ जब ये हटाते हैं तो सी आता है कांस्टेंट, इसे कहते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये ट्विस्ट कांस्टेंट,
समझ आ गई बच्चों, ये है। अब जब मैं इन दोनों टॉर्क को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो सी थीटा बराबर आ जाएगा बीना, तो थीटा बराबर आ जाएगा, बता रहा हूं आई अलग कर दो, इस बीना में से आई अलग कर दिया, बांग्लादेश बन गया, बैन बैन अपॉन सी। अब देखो बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है, ए फॉर एरिया कॉइल का एरिया, नंबर ऑफ टर्न, सी सिर्फ क्या चीज चेंज हो सकती है, तो करंट कम होगा तो थीटा कम होगा, करंट ज्यादा होगा इसका मतलब प्रूफ हुआ कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बात प्रूफ करनी थी। जल्दी से पढ़ लीजिए इसको, नोट्स नहीं है, समझ आ गया, ये एक दफो घर के पढ़ लेना ताकि तुम्हारा रिफ्रेश हो जाए, तुमने तुम्हारे नोट्स एक दफा रीड कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये गॉसियन लॉ उसकी एप्लीकेशन के साथ ही पूछेगा ये बेटा, बीना बीना है ना, इसके साथ कॉस अल्फा भी लगता है उस फार्मूले में, लेकिन हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अल्फा होता है जीरो, कॉस जीरो वन तो हम लिखते ही नहीं, हाँ वो लिखते ही नहीं है। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो मियाँ, कौन सी केमिस्ट्री, अभी रुक तो जाओ, खत्म तो करने दो मुझे, आखिरी समझाने दो। अब एक और चीज बेटा, बस ये आखिरी चीज है, इसके बाद कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म करेंगे। देखे सर ये बताओ, ये जो करंट है ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां लाए तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पूछता है वो, बेटा ये जो थीटा अपॉन आई है ये बराबर होता है बैन अपॉन सी, थीटा माने डिफ्लेक्शन, आई माने करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट्स यूनिट इज रेडियन पर एम्पेयर, और उसका फार्मूला ये है। तो सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो इस फैक्टर को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सी को बढ़ाना पड़ेगा, बांग्लादेश को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी कम करनी है। समझ में आई, ये इसके एमसीक्यू हैं। चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह 15 खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये खत्म हो गया, सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो कल पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानो इंटू एमीटर, कन्वर्जन इंटू वोल्ट मीटर, और उसके न्यूमेरिकल कल खत्म हो जाएगा कोर्स इंशाल्लाह। फिर अगर जरूरत पड़ी तो अगले हफ्ते वो जो आपने कहा था पास पेपर और हाँ मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह।
Yeah.